नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान से फैंस का जमकर मनोरंजन कर रहे हैं। इसी बीच शाहरुख खान के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस तरह से वैलेंटाइन वीक में शाहरुख खान के फैंस को बड़ा तोहफा मिला है। आइए जानते हैं कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ कब और कितने दिनों के लिए सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान और काजोल फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म को रिलीज करने की जानकारी दी है। मेकर्स ने बताया कि फिल्म 10 फरवरी यानी कि शुक्रवार को रिलीज की जाएगी और अगले एक सप्ताह तक सिनेमाघरों में ये लगी रहेगी और चलती रहेगी। बताते चले कि शाहरुख खान और काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साल 1995 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया था। बता दें कि मुंबई के मराठा मंदिर में ये फिल्म पिछले 28 साल से लगातार दिखाई जा रही है। गौरतलब है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों सिनेमाघरों में लगी है। 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई फिल्म शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम उसमें शामिल थे। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन में बनी फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान अब फिल्म जवान और फिल्म डंकी में नजर आने वाले हैं। इस साल जून में फिल्म जवान तो दिसंबर में फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।